2x 41। हाई इज इक्वल टू है टैन क्यूब 2x सेक 2x, टैन क्यूब 2x sec 2x dx tan स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू sec 2x dx, ये हो गया। अब देखिएगा, जैसे ये tan स्क्वायर 2x है, इस tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x-1 और ये सेक 2x टेन 2x dx। पहले ये बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब क्या करना है, ये जो इंटीग्रल बना ना, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे लेट सेक 2x इज इक्वल टू टी। अब हमने सेक 2x को टी मान लिया, डिफरेंशिएट हाँ, है ना, साक्षी मैम है तो, है ना, एक साक्षी मैम है। साक्षी मैम को कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, और एक ये ऐश्वर्या पढ़ते, ऐश्वर्या हिमांशु सर से पढ़ते थे तुम शायद, हाँ हाँ, वो मतलब केमिस्ट्री का ना, मैंने जो ये हाँ नहीं, U1202 में तो ये पढ़ता है शायद, U1202 में पढ़ते बारह तुम। हाँ ठीक, अच्छा तुम्हें वहां समझ में नहीं आया, तुम्हें वहां समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, मेरे को, मैंने जो फील करा है ना पिछले 5-6 सालों में, जो मैंने फील करा है कि केमिस्ट्री में कोई अच्छा टीचर नहीं है और कोई बुरा टीचर भी नहीं है। केमिस्ट्री में सीधा सीधा ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ सेट हो गई। अरे तो तुम्हारे तो चाचा है यार, तुम तो मतलब इतना वो उस चक्कर में पड़ क्या रहे, वो तुम्हारा रीजन अलग है ना, तुम्हारा तो रीजन अलग है ना। चाहना मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ उसका तो रीजन अलग है, या वो मेरे से कुछ छुपा रहा है, ठीक है, वही तो रीजन है ना, वो ही। मैं चाचा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं चाचा, चलो चलो ठीक है, वो हल्के से दूर के हैं, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ ना। अब हो सकता है कि कहीं से मैं ढूंढने लगूँ तो ये और मैं भी रिलेटिव निकल आए, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिलेशन को छोड़ो, आप ये बताओ कि पढ़ाते अच्छा है या नहीं, बस बच्चा जब पढ़ाते अच्छा है तो वो जोड़ो। अब इसकी बनती क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ, बनती क्यों नहीं है, वो बनती इस वजह से नहीं है कि इसकी जरा जरा सी कमियां भी घर पर पहुंचती हैं, फिर नहीं वो पहुंच जाए तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा वो ना पिटाई हो मेरे जाती सब है। बच्चे 1.5 घंटे आते हैं, वो मुझे कहते हैं सुबह अपना सारा सामान खाएंगे और एक हाँ हफ्ते के लिए नहीं बैठता। चलो चलो, अब नहीं, अब चलिए चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात ये है कि मैं अगर अगर मान लो वो ये कह रहे हैं, तो तुमने कभी अपनी अपने मन की बात कही उनसे? मैं गया हूँ, मैं घूमने को चलती, मेरा तो मन की बात बस छोड़ चलो दो। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं बता देता हूँ कि एक तो जहाँ पर ये पढ़ता है, अभिनव पढ़ता है, वहां पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक साक्षी मैम है, तो ये ना मिक्स्ड रिव्यूज हैं, सब कहते हैं कुछ अच्छा भी बताते हैं, कुछ खराब भी बताते हैं साक्षी मैम को। और गुलमोहर में एक अरुण सर है जो मतलब इसके रिलेशन में है, और अच्छे नामी टीचर हैं, ठीक। एक दूसरी मैम है मीतू रस्तोगी मैम, तो वो भी अच्छी टीचर है, वो भी गुलमोहर में ही है, दोनों टीचर गुलमोहर में ही हैं, दोनों केमिस्ट्री के हैं, और वो आई थिंक मेरठ की साइड में, मेरे पास नंबर भी है दोनों के, कहोगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ट्राई कर लेना। अक्षत पढ़ता है यहाँ पर, अक्षत है, अक्षत पढ़ता है उनसे, यस आप yes, हाँ अक्षत से सर मेरे पूछ। पास है नंबर। हाँ तुम, वो तो पढ़ता ही है, तो अक्षत एक लड़का है जो क्लासिक, क्लासिक से आते हो ना अक्षत शायद तुम, तो हाँ सर क्लासिक से आता है वो, शुरुआत से वही पढ़ रहा है, वो अच्छा बता रहा है, वो अच्छा बता रहा है, तभी तो कंटिन्यू कर रहा है, 11th में भी कर रहा है, 12th में भी कर रहा है। और हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको एक ही चाहिए ना, मैं बता रहा हूँ कि ये जो एक हफ्ता है ना, ये एक हफ्ता आप इस चीज को दे दो ना, इसमें थोड़ा सा तो टाइम इन्वेस्ट करो ना, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। और मैंने तो ये देखा है, बहुत बच्चे इतने प्रैक्टिकल हैं, वो ये नहीं सोचते टीचर को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, साफ आकर बताते हैं सर मैं अभी ट्रायल फेज में चल रहा हूँ, मैं दो दो क्लासेस अभी सब जगह करूंगा,
जहाँ मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ अपना फिक्स कर लूंगा, क्योंकि आपके पास 2 ही महीने हैं, तो आप 2 महीने में सिर्फ ढूंढते रह जाओ ढूंढते रह जाओ। क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ, मई जून से मैं देख रहा हूँ केमिस्ट्री केमिस्ट्री का इराक खत्म नहीं हो रहा लोगों का, है ना। तुमने ढूंढा है क्या ये बताओ, कहाँ कहाँ कर लिया? ठीक है ठीक है, अब कहाँ पर टिके? अब कहाँ, कहीं पर अभी नहीं टिके, है ना, अभी भी घूम रहे हो, तो अब ले लो। अब मैंने मीतू मैम का बताया, वहां तो नहीं गया ना, वहां भी देख लो एक बार। ये जो है, ये इसने डायलॉग जो मारा है, ये पेरेंट्स मारते हैं जनरली डायलॉग, कहते हैं हमने तुम्हारे सारे ट्यूशन भी बदलवा कर देख लिए, लेकिन तुम वही के वही हो, मतलब कमी तुम में है। चलिए जी, अब चलो ठीक है, अब ठीक है, तुम्हें बता दिया ना, अब तुम वहां पर एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। और ऐश्वर्या जिनसे पढ़ती है उनका नंबर भी है मेरे पास, मैं वो भी दे दूंगा, दोनों का भेज दूंगा, ठीक है। एक स्वाति गुलाटी मैम भी है, लेकिन वो राज एम्पायर में है, थोड़ा दूर पड़ेगा। बच्चे तारीफ रिवराइट के तो पास है, मैं दे दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे उनकी भी बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, वो उधर पढ़ाती है, एपीजे स्कूल है उधर नोएडा में है शायद, हाँ वो वहां पढ़ाती है, पर टीचर ठीक है। टैन क्यूब 2x sec 2x, हाँ ये कर रहे थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो sec x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? sec 2x tan 2x, फिर ये तो हमने sec 2x को कर दिया, अब 2x को भी तो करेंगे, तो 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2, फिर t को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt by dx, ये हो गया। अब ये जो 2 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा और dx इधर आ जाएगा, तो ये हो गया sec 2x मल्टीप्लाइड बाई tan 2x मल्टीप्लाइड बाई dx, और ये 2 इधर आ गया इज इक्वल टू dt बाई 2, ये हो गया sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, तो sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, और sec 2x को मैंने t मान लिया, तो ये क्या बन गया? t स्क्वायर माइनस 1। तो आप ये देखिए, लास्ट टाइम जो हमने अप्रोच लेकर चले थे वो अप्रोच लंबी थी, ये वाली अप्रोच सही है, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, sec स्क्वायर 2x मतलब t, तो सॉरी sec 2x मतलब t, तो sec स्क्वायर 2x हो गया t स्क्वायर माइनस 1, sec 2x tan 2x dx ये पूरा का पूरा हो गया dt by 2, तो dt by 2 है, तो ये जो 2 है इसको बाहर ले लो, i is equal to क्या हो गया 1 upon 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 dt, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, अब जब t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t और प्लस का c, सही है, ठीक। अब जो t हमने लिया था वो वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, खत्म, ये हो गया sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस c। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। चलिए जी ठीक है, पीआर क्लियर है कि नहीं? हो गया क्लियर सर, होगा, हो गया क्लियर। उसने एक्चुअली ईमानदारी से बोल दिया उसने कि पूरी एक्सरसाइज अनक्लियर है, इसीलिए मैंने पूछा। चलिए आगे चलते हैं। चलो अब जैसे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 मुझे लगता है कर लेंगे, 16, हाँ वैसे भी कर सकते हो, sec tan में भी कर सकते हो, एक को tan square, एक को tan square देखो, sin cos में करा है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में i इज इक्वल टू क्या दिया है? इंटीग्रेशन tan की पावर 4 x dx, ठीक है, tan square x tan square x dx, रुक जाओ भी रुक, हाँ हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ सर, 1 माइनस x स्क्वायर करके नहीं कर सकते, x स्क्वायर माइनस 1 बेटा, वही 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 बता रहा हूँ, नहीं होगा उससे, अगर मैं आ,
एंडी, एंडी एंडी बोलते हैं उसको, एंडी छोटी सी आती है बुक। अच्छा वो रुको, टेन एक्स अगर लेंगे तो फिर हमें सेक स्क्वायर एक्स चाहिए ना, है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। हाँ ठीक है, करते हैं ना, आप एक टेन स्क्वायर एक्स को तो एज इट इज छोड़ दो, और ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसको लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए डी एक्स। अब इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये हो गया। इसको करने के बाद में फिर आप इसको बिल्कुल अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए, तो ये अलग अलग कैसे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। ये वाला जो है इसको मान लीजिए आप आई वन, और इसको बोल दीजिए आई टू इस पूरे को। ठीक है, और ये जो हमारी इक्वेशन है ये हो गई, ऐसे कहिए आई इज इक्वल टू आई वन, और आई वन और आई टू के बीच में माइनस का साइन है, आई वन माइनस आई टू, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करो, पहले आई वन को सॉल्व करो, तो जब हम आई वन को सॉल्व करेंगे तो आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो टेन एक्स का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, हाँ वो शॉर्टकट मार के कर दिया। हाँ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फटाफट फटाफट ऐसे ही करोगे। ठीक है, लेकिन बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि एक एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। देखिए अब आई वन इज इक्वल टू क्या हो गया, आई वन इज इक्वल टू टेन एक्स को हमने टी माना, तो ये हो गया टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी आ ही चुका है, तो आई वन इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी वन। इसको सी वन बोल दो क्योंकि मैं आई वन सॉल्व कर रहा हूँ, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने सी वन बोल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब आई टू को देखिए, आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स, या सिर्फ डी एक्स। तो आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स बीच में माइनस का साइन और माइनस एक्स, तो टेन एक्स माइनस एक्स और प्लस सी टू, तो वो आई वन है ये आई टू है, अब सीधे सीधे देयर फोर आई इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू। हाँ लगाएगा वो, कोई बात नहीं, मेथड ठीक होना चाहिए बस, मेथड ठीक हो। आपने क्या करा होगा, ऊपर साइन की पावर फोर एक्स अपॉन कॉस की पावर फोर एक्स, है ना, और फिर क्या करो, टेन फोर एक्स मान लिया क्या इसको। अच्छा आई वन माइनस आई टू, तो आई वन क्या हो गया, आई वन था हमारा, हाँ ये मैंने इसको लिखा नहीं, मुझे लिखना चाहिए था, टी को क्या माना था हमने टेन एक्स, तो टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस सी वन, तो आई वन की जगह टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस सी वन,
माइनस आई टू क्या है, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी टू, तो टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स और सी वन सी टू जो भी होगा, सी वन माइनस सी टू हो जाएगा, वो हमने सी मान लिया, ठीक है। तो टोटल जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हो गया सी, ठीक है। ये पता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, जनरली सभी बच्चों की आदत होती है कि ये छूट जाता है। एक चीज और छूटा करती होगी इलेवंथ में या यहाँ पर टर्म वन में, लिमिट्स में बच्चे ना वो एल आई एम लिम लिखना भूल जाते थे, करते चले जाते थे आगे, तो वो होता ही है, वो फ्लो में छूट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आदत डालना लिखने की। और जनरली एक बात बताऊं, जो टीचर्स हैं वो काटते भी नहीं है इसके नंबर अगर आप सी लिखना भूल जाओ, लेकिन कोई कोई अगर थोड़ा लड़के आया या संकी टाइप कुछ की नहीं, ज्यादातर पता नहीं क्या है। जैसे जैसे बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तो एक फॉर्मेट होता था कि हमको कुछ भी अपना होमवर्क करके लेकर आना है, तो ऊपर लिखना है सी डब्ल्यू, मतलब ये तो क्लास वर्क है, एच डब्ल्यू मतलब ये होमवर्क है। लेफ्ट में आप थोड़ा सा टेढ़ा करके ऊपर लिखोगे डेट, नीचे फिर डेट स्लैश लगाकर लिखोगे। मैं तो डेट पर पिटाऊँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ, मैं तो डेट ना लिखने पर पिटाऊँ, होमवर्क पूरा कर रखा है ना। तो इसी वजह से कई बार कि भाई तुमने सी नहीं लिखा है ना, तो बस इसी बात पर पिटाई हो गई। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा कि इसमें सी लिखना मत भूलना। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं भाई? श्रुति, सचिका बताइए, कनिष्का, आप सब शांत बैठे हुए हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। अब जरा देखो, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही है ना, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसका हमको इंटीग्रल करना है तो इसको कैसे करेंगे? अब ना करने से पहले खुद ही पहले एक बार सोचो कि जैसे बीच में यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है, न्यूमरेटर में लगा हुआ है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये अलग, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ही सोचो, अगर मैंने साइन क्यूब एक्स को अलग कर लिया तो एक साइन स्क्वायर से ये ऊपर के दो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर साइन एक्स बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन अपॉन कॉस टेन और एक कॉस सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होता है, ये तो हो जाएगा। और इसी तरीके से वहां पर वो क्या बनेगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, वो भी हो जाएगा बस। तो ये तो ऐसे ही हो गया। हाँ ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? अच्छा, अगर ये नहीं होता, अगर नहीं बात बनती, तो और क्या आ रहा था चीज दिमाग में, क्या आ रही थी कि जैसे ऊपर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, आइडेंटिटी 9th क्लास में याद तो मैं करवा दूंगा, माइनस ए भी, बिल्कुल सही। जब प्लस होता है बीच में तो माइनस ए भी आता है, ठीक है। तो वो वाली आइडेंटिटी से भी बात बन सकती थी। चलिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, उंगलियों के बीच में, ये अभी भी होता है हमारे, बहुत चाबियां नहीं हमारे तो ना, वो पेंसिल, अरे पेंसिल नहीं, अरे पेंसिल नहीं, वो जो स्केल होता है ना, स्केल को भी ऐसे ना खड़ा करके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सॉरी। हाँ कमाल है,
वो थोड़ा सा ना 15 मिनट 20 मिनट दिन में निकाल कर तुम ना अपनी वो लिखनी शुरू करो, ऑटोबायोग्राफी। बड़े अजीब अजीब किस्से हैं इसकी लाइफ के, पता नहीं क्या क्या हो चुका है इसके साथ। फिल्में बन जाएंगी बड़ी सुपरहिट फिल्में। कहानी यूपी की, सही बात है। साइन स्क्वायर एक्स से एक ये कट गया, ऐसे ही कॉस स्क्वायर से ये कट गया। हाँ, अब जैसे ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हो जाएगा टेन एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, sir, हो भी गया। क्या हो गया? चलिए ठीक है, उसको सुदामा को पता नहीं है कि जादू की तरह आवाज आ रही है उसकी यहाँ पर। cosec x cot x संदेश उसका जो है टुकड़ों में आ रहा है, बिट्स एंड बाइट्स। चलिए sec x tan x dx, अब sec x tan x का इंटीग्रल sec x होता है। ठीक है, उसका भी गलती बता रहे हो, उसका भी गलती बता रहे हो। cosec x cot x, अच्छा अच्छा ओके ओके, cosec x cot x इसका क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन जो है, अभी बता रहा हूँ, cos स्क्वायर x cos 2x है ना, cos 2x को पहले लिख दो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। हाँ हाँ तो वो 1 बन जाएगा और फिर वो 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा। गुड, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, cos 2x plus 2 sin square x cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x dx, ये हो गया। यहाँ पर cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos square x minus 1, 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x होता है, तो 2 cos square x minus 1 लिखा जा सकता है। उससे फायदा क्या हो गया होगा देखना, ये हो गया 2 cos square x minus 1 और ये हो गया प्लस का 2 sin square x, upon cos square x। तो 2 cos square x plus 2 sin square x i is equal to integration, जैसे ये 2 cos square x plus 2 sin square x है, इसमें 2 common ले लो, तो cos square x plus sin square x ये तो 1 ही हो जाएगा, और ये जो minus 1 है इसको बाद में लिख दो,
ये तो वन हो गया पूरा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया टू माइनस वन अपॉन, ये टू माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बचा sec square x dx, और sec square x का इंटीग्रल tan x plus c। चलिए जी 18 के बाद में 19 छोड़ दूं क्या, कर लोगे 19 कैसे होगा, जैसे sin x है, आप क्या करो sin x और cos x को तो एक तरफ रखो, और जो cos cube x है, cos cube x में मतलब ऐसे करेंगे, बता रहा हूँ बता, वन अपॉन में है ना, वन अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू हमने ऐसे करा कि वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स अलग, वन अपॉन कोसेक और साइन से अब अगर मैं ऊपर वाले को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगी, फिर एक साइन से एक साइन कट गया है ना, टेन एक्स हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, तो ठीक है, हम एक काम करेंगे ना, ये जो अपॉन में कॉस स्क्वायर है इसको तो ऊपर ले जाकर sec स्क्वायर लिख दो, वही तो लिख रहा हूँ, और फिर स्प्लिट कर दो, टेन एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स मिल जाएगा। सर इससे इजी मेथड, अगर हम cos 2x को cos square x minus sin square x नहीं करके कर लेते इस वाले को, बेटा cos 2x तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा ये वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ ये वाला, अच्छा तुम इसमें कह रहे थे इसमें, हाँ मैंने देखा नहीं कि आप सब लोग दूसरी तरफ पहुंच गए। अच्छा अच्छा ओके, चलिए मैं एक काम करूंगा इसमें ना, जैसे ये आई है, अब ये जो अपॉन में कॉस स्क्वायर है इसको तो ऊपर ले आओ, और ये जो ऊपर वन है ना इसको लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, और ये जो अपॉन में कॉस स्क्वायर है ये ऊपर आकर sec स्क्वायर बन जाएगा। अब इनको स्प्लिट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है एंटिटी, एक साइन से एक साइन कट गया, ऐसे ही एक कॉस से एक कॉस कट गया, कहाँ, और ये cos x upon sin x जो है ये cot x होता है, इसको पलट कर 1 upon tan x ही लिख दूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आप समझ ही जाएंगे, tan x को t मान लो और फिर sec square x dx, तो dt तो है ही हमारे पास, और अपॉन में जो टैन होगा उसका उसका क्या करेंगे, ज्यादा बढ़िया यही है, देखिए लेट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, tan x को बोल दिया t प्लस वन अपॉन टी
स्प्लिट कर लो, आई इज इक्वल टू टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी कितना हो जाएगा लॉग टी, लॉग मॉड टी प्लस सी क्या? हाँ हाँ फिर प्लस है, दोनों टी वाले दोनों ही टी लग रहे होंगे, चलिए जी। इसके बाद देखो भाई ये तो है टी, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और ये सीधा है, ये प्लस है, मतलब ये सोच सोच की बात है। अब हमने टी को बोल दिया टैन, तो आई इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, लॉग मॉड टेन एक्स प्लस सी, ठीक है? ठीक है भाई बताइए ऑनलाइन वाले। यस सर। ठीक है, अब एक काम करो जरा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आप देखो। बस तो कर डालो, हाँ हो ही गया। चलो 20 और 21 एक बार ट्राई करो, मैं बस एक मिनट में। दूसरी चीज बोलने से वही से उसका मतलब बदल जाएगा।
21 का तो बहुत बढ़िया मेथड है, छोटा सा दो स्टेप का। बच्चे हैं सर। हाँ हाँ हैं तो सब बच्चे ही, अकल के कच्चे हैं। चलिए भाई देखो, 20 अगर हो गया तो 21 तो बहुत आसान लॉजिक लग रहा है। एक हिंट दे रहा हूँ बस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। अब तो समझ गए होंगे, अभी भी नहीं समझे? अरे सब कुछ बता दिया। हाँ जी 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में है, बेवकूफ बना दिया सबका। साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, जैसे ये है ना। तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज वाला जो पोर्शन था वो सिलेबस में था नहीं, अगर होता तो वो दिमाग में आ जाती चीज, वही चीज यहाँ पर है। नोट करिएगा, सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे साइन इनवर्स कॉस एक्स है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफोर साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये भी पाई बाई टू होगा भाई। साइन इनवर्स के आगे और कॉस इनवर्स के आगे सेम टर्म होना चाहिए, साइन इनवर्स के आगे इधर भी एक्स, तो दोनों का सम पाई बाई टू हो गया, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, मतलब कुछ ऐसा मत सोचना कि ये चीज आपको आती थी और अब याद नहीं आ रही तो मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। सीधी बात यह है कि ये आप लोगों ने करा नहीं है, प्रॉपर्टी सिलेबस में थी नहीं इस वजह से। तो हमने कहा साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स और डी एक्स। अब कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो केवल एक्स बचेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब पाई बाई टू तो एक कॉन्स्टेंट है, तो पाई बाई टू इंटू एक्स, ये तो पाई बाई टू का इंटीग्रल हो गया। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, ये होता है कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल। तो पाई बाई टू का हो गया पाई बाई टू इंटू एक्स, और एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सर हम कॉस एक्स को साइन पाई बाई टू माइनस एक्स भी तो लिख सकते थे, कॉस एक्स को साइन पाई बाई टू, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे ये कॉस एक्स है तो हम जानते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो है ये कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो अगर मैं कॉस की जगह साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दूंगा तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तब भी यही आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, दोनों ही केसेस में सेम आएगी चीज, ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर, या आगे क्या चलें, अब अपना जो अगला क्वेश्चन है 22, 23 और 24 कर लेना अपने आप, ठीक है। ये 22 कैसे होगा, देखिए जैसे 1 अपॉन cos x माइनस a और cos x माइनस b है, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर में 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना है, 2 cos a cos b, और फिर उसको क्या करना, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, 2 cos a cos b होता है cos a plus b plus cos a minus b, ठीक है। तो मेरे पास cos वाली cos something plus cos something नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर हम sin square something plus cos square something कर देंगे, क्योंकि ऊपर क्या है वो समथिंग जो करके आएगा, जो करके आएगा, देखिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, ठीक है। तो x माइनस ए मेरे लिए क्या हो गया, a, और x माइनस बी मेरे लिए हो गया b, तो जब a प्लस बी करेंगे तो 2x माइनस ए माइनस बी आएगा, और एक में आएगा x माइनस ए
माइनस एक्स प्लस बी, बी माइनस ए, बी माइनस ए, एक मिनट, बी माइनस ए, बी माइनस ए आ जाएगा। तो वन को करके देखना ऊपर किस तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, करके देखिएगा एक बार, ठीक है। और 23 और 24 जो है ये भी ट्राई करिए, मतलब ये तीन क्वेश्चन हैं जो करने हैं, इसको कंप्लीट करो। और हाँ एक चीज मुझे सभी बच्चे ये बता दें कि आप लोगों की क्या स्कूल्स की अभी छुट्टी चल रही है क्या? कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, परसों छुट्टी है कि नहीं? परसों सर अभी छुट्टियां ही चल रही है मंडे तक। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है। देखिए परसों मेरी बेटी का बर्थडे है तो हो सकता है मैं शाम को, हो सकता है कि मैं शाम को क्लास लूंगा ही पक्का, है ना। अब उस दिन बता देना, ठीक है मिलवा दूंगा, अभी सो रही है जरा, आज ज्यादा थक गई तो तो फिर जो है ना मैं आपको बता दूंगा। और अगर सभी बच्चों में से किसी की भी अगर छुट्टी ना हो तो मुझे बता दीजिए, जैसे तुम्हारी नहीं है पर तुम कर सकते हो छुट्टी। चलो ठीक है, तुम्हारी छुट्टी है कि नहीं? छुट्टी है भाई, ऑनलाइन वाले बताना बेटा, किसी सबकी छुट्टियां चल रही हैं जी अभी? यस सर। चलो नू की आवाज किसी की आई नहीं तो ठीक है, 5 तारीख को मैं मॉर्निंग में क्लास ले लूंगा, है ना। नहीं नहीं 6 बजे नहीं, ऐसे 12-1 बजे के करीब, 11-12 ऐसे ले लूंगा क्लास, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके।